नोकिया, इंटेक्स, पैनासोनिक, एलजी, ये सारे स्मार्टफोन्स क्यों लॉन्च नहीं हो रहे, इस वीडियो में जानेंगे। एंड सो लेट गेट स्टार्ट टू द वीडियो। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये फोन्स इंडिया में लॉन्च क्यों नहीं हो रहे नए प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि 2000 के मिड ईयर से रियलमी, ओप्पो एंड साउमी के जो फोन्स है बहुत ज़्यादा, मतलब इसके जो रेटिंग है बहुत ज़्यादा हाई हो गई इंडिया में, एंड ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए इंडिया में, एंड इसके जो है कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते गए, एंड इसका जो प्रोडक्शन भी है वैसे वैसे बढ़ता गया इंडिया में। एंड बाकी जो फोन्स लॉन्च होते थे इंडिया में, जैसे कि नोकिया, पैनासोनिक, सोनी, एलजी, ये सारे फोन्स अपने आप को और भी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए, इनके प्रोडक्शन कम हो गए और इनका जो प्रॉफिट मिलता था वो भी कम हो गया। बट इन्होंने भी हार नहीं माना, एंड इन लोगों ने भी एक दो फोन्स लॉन्च किए थे, बट इनका जो फोन्स है बिल्कुल भी ज़्यादा सेल नहीं हुआ, कुछ ही प्रोडक्ट्स जो इनके सेल हुए थे, जिसके कारण जो है इनका रेटिंग एंड जो इसका कंज्यूमर्स था वो डाउन हो गया इंडिया में। क्योंकि ये जो सारे फ़ोन्स थे इंडिया में लॉन्च हो रहे थे, इसमें कुछ हमको ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को नहीं मिलता था, एंड इसमें स्पेसिफिकेशंस भी उतने अच्छे नहीं होते थे। अगर हम कंपेयर करें तो Xiaomi, Oppo एंड Realme, Redmi के जो फ़ोन्स आते थे उससे, एंड आप सभी को पता है पहले के फ़ोन कैसे उगते थे, बट असली चीज़ अब भी बाकी है। ये जो फ़ोन्स हैं नोकिया, पैनासोनिक, सोनी, एलजी, ये सारे फ़ोन्स इंडिया लॉन्च नहीं हो रहे, बट जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उनका सेलिंग या प्रोडक्शन जो है उनका कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं, वहाँ पर जो है ये फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं, बट इंडिया में लॉन्च नहीं हो रहे। जहाँ पर इनके ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं वहाँ पे सारे लॉन्च हो रहे हैं, एंड जो कुछ फ़ोन्स हैं इंडिया में भी लॉन्च हो रहे हैं जो कि फ्लैक्सिप हैं, जैसे कि फोल्डेबल फ़ोन था, जैसे एलजी का लॉन्च हुआ था इंडिया में रिसेंटली। और हाँ, एक नोकिया का स्मार्टफोन आने वाला है जिसका शॉर्ट वीडियो आ जाएगा कुछ देर में इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब अभी कर लेना, चेकआउट कर लेना, और कोई दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।